Welcome friends, welcome to the lecture series of Digital Electronics. In this session, we are going to discuss about the 3-bit asynchronous down counter, okay? So in this session, you can able to learn the down counter, how it will work and the operation of this down counter, okay? So here you can see that we have taken the clock. And for the first flip-flop only, we are providing the clock, okay? So, and one more change, that is, we have taken the JK flip-flop over here. So, now what we are going to do, we are providing the output, okay, to the clock pulse of this B flip-flop, okay? But there is a minor change that in the up counter, we were providing the output that is originally originated from this flip-flop and that will be provided to the clock. But instead of that, what we are doing, we are providing the inverse output, whatever the flip-flop provides us, okay? प्रीवियसली हमने जो देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो क्यू ए का आउटपुट मिल रहा था वो हम प्रोवाइड कर रहे थे जो फ्लिप फ्लॉप ए का ओरिजिनल आउटपुट था. बट अभी हम क्या करेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग द इनवर्स आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर आउटपुट ऑफ दिस जेके फ्लिप फ्लॉप. तो क्यू ए की बजाय क्यू ए बार का हम आउटपुट क्लॉक के अंदर देंगे, ठीक है, बी फ्लिप फ्लॉप को. Same thing will be applied to the B flip-flop and to flip-flop C. तीनों को हम इस तरीके से जो है वो हम flip-flops को clock pulse provide करेंगे, ठीक है. तो let's go for the diagram of this particular down counter. तो down counter हमें पता है कि क्या करेगा, it will count in the decreasing manner, okay. सबसे पहले क्या होगा, इट विल बी ऑन दी हाईएस्ट साइड. हाईएस्ट साइड हमारा कौन सा होगा, अगर हम 3-bit का कोई काउंटर ले रहे हो तो 3-bit का अगर हमारा कोई काउंटर है तो हमें पता है कि इट विल काउंट अप टू दी 7, ओके, दैट इज अवर 8, क्योंकि हम 0 से हम कंसीडर कर रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो 7 तक ये जो है वो हमें काउंट करके देगा. सो दिस विल बी दी आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंटर जो हमने आगे फिगर्स में देखा है और अंडरस्टैंड किया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो पूरा आउटपुट हमें मिल रहा है 111, दैट इज माई 7. फिर जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज माई 110, दैट इज 6. सो इस तरीके से जो है हर बार एक एक घटता जाएगा और कहाँ तक काउंट करेगा, अप टू दी 0. And after the 0, it will start repeating from again 7 to 1, okay? So this will be the concept and you can see the state diagram over here. यहाँ पे आपको state diagram दिखाया गया है. 7 से लेके 1 तक count कर रहा है, 7, 6, 5. यहाँ पे आप direction देख सकते हो कि पूरी direction जो है वो उल्टी चल रही है, ठीक है? So that is the concept of the asynchronous down counter. Let's understand it by the timing diagram. Okay, timing diagram हमारा खास important है. तो हम timing diagram में अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, जब ये 1 यहाँ पे falling edge हो रहा है तभी तीनों जो हमारे output है वो हमें 1-1 मिल रहा है, ठीक है. फिर आगे क्या होगा, now for the second flip flop हमने जो क्यू ए का जो बार था, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट विल बी कंसीडरिंग दिस वैल्यू एज एन 1 एंड इट विल गिविंग अस द पल्स अप टू दिस लेवल. यहाँ तक हमें पल्स मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो क्यू ए बार का आउटपुट है वो हमने क्लॉक में दिया है. तो अगर हम क्लॉक एज्यूम करें तो क्लॉक यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ तक आएगा, तो पूरा जो क्लॉक है इसके लिए यहाँ पे एक पल्स तरीके से वो काउंट करेगा. तो मतलब जब यहाँ पे वो पल्स हमें उसको देगा
तो वो फॉलिंग एज डिटेक्ट करके यहाँ पे भी आउटपुट में आपको 1 देगा। तो इस तरीके से जो है वो तीनों को ये चीज़ें अप्लाई होती है, ताकि तभी जब आप देखें तो फर्स्ट स्टेट में आपको 111 यानी कि मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट 7, फिर एक एक घटा घटता हुआ 001 तक जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लिप फ्लॉप ए जो था इट विल रिस्पॉन्डिंग टू दी नेगेटिव क्लॉक एज, और यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप बी एंड फ्लिप फ्लॉप सी टॉगल व्हेन द प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप आउटपुट चेंज फ्रॉम लो टू हाई। लो से हाई तक जा रहा है तभी जो है वो क्या करेगा, इट विल कंसीडर, क्योंकि अभी क्या हुआ, हमने जो है वो क्यू ए बार को हमने रिप्रेजेंट किया है एज एन क्लॉक, ठीक है। तो क्यू ए बार का जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमने कहाँ पे दिया है, हमारे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में दिया हुआ है। सो इन दिस वे इट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम 111 टू 001 और अप टू द 000, ओके। सो दिस वे द टाइमिंग डायग्राम विल वर्क एंड यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द क्लियर ऑपरेशन ऑफ दिस 3-bit एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। सो इन दिस वे एसिंक्रोनस डाउन काउंटर विल वर्क, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव gain some of the knowledge from this video, then you should definitely like and share the video, and to watch more this kind of videos you should subscribe to my channel. Thank you for watching the video.